नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी दूंगा कि आप किस तरह से अपने फ़ोन के मामूली से कैमरे में भी DSLR जैसी क्वालिटी लेकर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने फ़ोन के एक सिंपल से कैमरे को भी आप DSLR जैसी क्वालिटी में आप इमेज बना सकते हैं, और किस तरह से आप बना सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हमें यहाँ से एक ऐप डाउनलोड करनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ DSLR की खासियत क्या होती है। DSLR की खासियत होती है कि वो हमारी जो पिक्चर होती है उसके अंदर मेन चीज़ को वो फोकस करके और बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, यानी कि धुंधला कर देता है। यही DSLR की खासियत होती है कि वो मेन चीज़ को कैप्चर कर लेता है अच्छी क्वालिटी में और उसके बैकग्राउंड को वो ब्लर कर देता है। तो हमें इस ऐप से हम यही बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी नॉर्मल इमेजेस को DSLR इमेज में बदल सकते हैं। तो यहाँ से प्ले स्टोर से आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है DSLR कैमरा ब्लर। देखिए आपको सबसे पहले नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रही है DSLR कैमरा ब्लर, तो आपको यही ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। छोटी सी ऐप है, और देखिए मैं उसको आइकन भी बता देता हूँ किस तरह। देखिए ये इसका आइकन है, तो आप ये ऐप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से पहले इंस्टॉल की हुई है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इस पर हमें काम किस तरह करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए अब जिस तरह से आप ये ऐप जब इंस्टॉल कर लेंगे, तो यहाँ से आप जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से इसका एक इंटरफेस खुलेगा। देखिए अब आपको नीचे आपकी स्क्रीन पे तीन ऑप्शन नज़र आए। देखिए ये ब्लर, एक है शेप ब्लर, और तीसरा है कोलाज। तो ब्लर करना, दूसरे में शेप को एक ब्लर करना, और तीसरा कोलाज बनाना। तो कोलाज बनाना तो आपको आता ही है, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर बताएंगे किस तरह से हम DSLR की तरह अपनी इमेज में ब्लर या शार्प चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो पहले ऑप्शन जो है ब्लर, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि ये किस किस तरह से काम करेगी। ये एक ऐड खुल गई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हमें थोड़ा मतलब टिप्स दे रहे हैं कि आप इस तरह से इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ इसको। अब देखिए नीचे आपको तीन ऑप्शन नज़र आ गए, एक क्लियर, एक है ब्लर, तीसरा है पैन। तो क्लियर का मतलब है कि हमें जो भी धुंधली चीज़ जो है उसको हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है ब्लर, उसका है कि हम इन चीज़ों को ब्लर कर सकते हैं या धुंधला कर सकते हैं। तीसरा है पैन, यानी कि हम किसी भी उस पर टच करके, फ़ोटो को टच करके ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है जिसका नाम है क्लियर। मतलब अब ये देखिए आपको ये पूरी इमेज धुंधली नज़र आ रही है। मैं अब इसको क्लियर करता हूँ, ये आपको टच करके रखना है। जो भी पार्ट आपको क्लियर चाहिए इमेज का, उस पर आप ये उंगली से अपना कर दीजिएगा। देखिए ये बैकग्राउंड इसका धुंधला रह जाएगा, और ये फ़ोटो जो आपकी इमेज होगी बिल्कुल DSLR। देखिए अब DSLR की इमेज की आपकी फ़ोटो तैयार हो गई है। अब मान लीजिए आपको कुछ पार्ट जो है इसमें ब्लर करना है, तो आप जो इस दूसरा ऑप्शन था ब्लर, अब यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए दोबारा से इसको ब्लर कर सकते हैं या बैकग्राउंड को आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी फ़ोटो को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो इसी के अंदर एक फ़ोटो दी हुई थी उसके ऊपर बात की थी हमने। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं या फिर गैलरी की फ़ोटो को DSLR की तरह बना सकते हैं। तो देखिए ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, या तो अपनी फ़ोटो को गैलरी से आप उठाइए, गैलरी से किसी फ़ोटो को उठाकर आप उसके ऊपर काम कीजिए, उसे DSLR की इमेज की तरह बनाइए, या फिर आप फ़ोटो खींच लीजिए और उस फ़ोटो को यहाँ पर अपनी मन मुताबिक उसको ढाल दीजिए DSLR इमेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं आपको गैलरी से कोई फ़ोटो उठाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मैंने गैलरी पर क्लिक किया है, अब यहाँ पर मेरे फ़ोन की जो है वो गैलरी ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं जाता हूँ गैलरी के अंदर, और अगर आप डायरेक्ट फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो फ़ोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको कोई फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये मैंने आपको एक कोई फ़ोटो दिखाता हूँ। चलिए मैंने ये एक फ़ोटो ले ली है, ये एक ऐड आ गई है, इसमें क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैंने एक इमेज ली अपनी गैलरी में से, इसी तरह से इमेज आपकी गैलरी में से ली जाएगी। अब नीचे के जो ऑप्शन है इनके ऊपर बात आती है, तो हमें पहला नंबर का जो ऑप्शन है
पहले नंबर का जो ऑप्शन है क्लियर, उस पे ही टच करना है। और उसके बाद जो जो पोर्शन हमें फ़ोटो का क्लियर चाहिए, देखिए मैंने उसको, और देखिए आप अभी देख सकते हैं ये सर्कल, ये जो गोला है बहुत बड़ा हो रहा है, तो इसे हम छोटा कर सकते हैं। ये हमारा ब्रश है, इसे हम छोटा कर सकते हैं यहाँ से ब्रश साइज से, तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ। अब देखिए ये छोटा हो गया है, और छोटा करना है आप इसे और छोटा कर दीजिए, तो ये और छोटा हो गया है। अब देखिए जिस पोर्शन को आप अच्छी तरह क्लियर करना चाहते हैं उस पर आप देखिए, ये बिल्कुल DSLR जैसी इमेज हो गई है। बैकग्राउंड इसका पूरा ब्लर है और जो मेन फ़ोटो है वो हमारी क्लियर है। तो यहाँ से हम इस तरह से अपनी फ़ोटो को ब्लर और क्लियर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सेव कैसे करें, तो देखिए ऊपर आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा सेव का, आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो जो है वो सेव हो जाएगी। देखिए डू यू वॉन्ट टू सेव करंट, तो हाँ यहाँ पे हमें यस पे क्लिक करना है और ये फ़ोटो हमारी सेव हो जाएगी। तो दोस्तों देखा किस तरह से हम सिंपल सी फ़ोटो को भी DSLR इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। और आप इस ऐप से डायरेक्ट भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरह से अपनी नॉर्मल फ़ोटो को भी DSLR इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपकी स्क्रीन पर ये लाल निशान को टच करके, और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।